हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका विनिंग एज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नामक चैप्टर की हमने शुरुआत की थी, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये बातें की थी कि आखिरकार केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो हमने उसमें क्या समझा था कि जब हम किसी चीज को दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाएं और मिला के कोई नई चीज बना दें, कोई नई चीज फॉर्म कर दें, तो वो होती है केमिकल रिएक्शन। और जब उन्हीं रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। तो बच्चों, इसी चीज को, इसी बात को हम अब आगे लेके बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन क्या चीज है। ठीक है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आखिरकार केमिकल रिएक्शन हो गई। भाई, हम तो पूरे दिन दुनिया भर के काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी, यहां पे केमिकल रिएक्शन हुई या यहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो आज इसी बारे में हम एक बात करेंगे। और बच्चों, आज की वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को 45 मिनट की वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं। अब जैसे कि एज पर शेड्यूल आपको बताया गया है, MWF मैथ की क्लास और TTS साइंस की क्लास। MWF 6 बजे मैथ्स की क्लास होगी बच्चों, और TTS 6 बजे साइंस की क्लास होगी बच्चों। और अब हम लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ इस काम पे लगना है, क्योंकि बच्चों हमारा 1 महीना खराब हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ये आप सभी को पता चल चुका है। तो चलिए, अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, भाई क्या कुछ याद आया होगा, अगर रिएक्शन के बारे में याद करो, आप रिएक्शन के बारे में याद करो। मैंने कुछ ऐसा बताया था, Mg नामक एक क्या था भाई, मैग्नीशियम रिबन, जिसे हमने जलाया। जलाने का मतलब मैंने आपको ऑक्सीजन समझाया था कि हम जब जलाते हैं तो इसका मतलब हम क्या मिला रहे हैं उसमें, ऑक्सीजन। बच्चों, जैसे ही आप जला रहे हो MgO बन रहा है। अब ये बना कैसे था, मैंने कहा था कि इसको मैं आगे क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा, तो मे भी आज ही एक्सप्लेन कर दूं मैं इसको। ठीक है, अच्छा MgO, लेकिन फिर मैंने बताया था कि MgO जब वाटर में मिला तो वो बन गया MgOH2, याद आया। तो ये क्या था बच्चों, ये था रिएक्शन, लेकिन इसको जब हमने लिख के दिखा दिया तो ये बन गया केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही बात, ये था अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया है। ठीक है, कि दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी, एक नई चीज बनेगी, तो ये हो गई आपकी क्या भाई, ये हो गई आपकी अभिक्रिया। लेकिन जब लिख के दिखा दिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया समीकरण। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पता कैसे चलेगा कि आखिरकार केमिकल रिएक्शन हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात ध्यान से सुननी है, केमिकल रिएक्शन होने के 5 तरीके होते हैं, और उन पांचों में से कोई एक भी तरीका अगर आ जाए उसके सामने तो समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन पूरी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? जरूरी नहीं है कि उसके साथ पांचों चीजें हों, अगर उन 5 कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब हमारे लिए वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने वो पांचों बातें लिख देता हूं कि आखिरकार हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। ठीक है बच्चों, तो चलिए, टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, हिंदी में रासायनिक, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, एक मिनट को, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण,
रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो बच्चों मैंने क्या बताया, पांच तरीके से, कौन कौन सी फटाफट देख लीजिए। पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हिंदी में अवक्षेप का बनना। बच्चों सेकंड, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस का निकलना, ठीक है। तीसरा, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। और बच्चों पांचवा, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया कि ये क्या पांच बातें लिखी मैंने, ठीक है। अब जरा इसको एक्सप्लेन करने का समय आ गया है, तो एक्सप्लेन करते हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना, मतलब जब कोई रिएक्शन हो तो रिएक्शन होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद कोई चीज हमारे पास सॉलिड रूप में बच जाए, ठोस रूप में बच जाए। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, कि जब रिएक्शन होने के बाद कोई चीज ठोस रूप में बच जाए। अगला, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब क्या, गैसों का निकलना या गैस का निकलना। इस दौरान क्या होगा बच्चों, कि जैसे ही कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन से पहले कोई गैस नहीं निकल रही है, लेकिन जैसे ही उनको आपस में मिलाया गया, तुरंत उसमें से गैस निकलना शुरू हो गई, ठीक है। तो उससे भी पहचान सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। चेंज इन कलर, मतलब मिलने से पहले कुछ और रंग था, लेकिन जब मिल गया तो उसके बाद रंग क्या हो गया भाई, कुछ अलग हो गया, चेंज हो गया, ठीक। चेंज इन टेम्परेचर, मतलब मिलने से पहले उनके टेम्परेचर अलग अलग थे, लेकिन जब मिल गए तो या तो टेम्परेचर बढ़ गया या तो टेम्परेचर घट गया, तो इससे भी पता लगा सकते हैं। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, मतलब जब रिएक्शन नहीं हुई थी तब वो अपने एक किसी अलग स्टेट में था, मान लो सॉलिड में था, और जब रिएक्शन हो गई तो लिक्विड में आ गया या तो गैस में आ गया। तो मतलब क्या किया उसने, अपने स्टेट को चेंज कर दिया, उसने अपनी अवस्था को चेंज कर दिया। अगर सॉलिड था तो लिक्विड में आ गया, अगर लिक्विड था तो सॉलिड में आ गया, इस तरीके से अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। तो ऐसे केस में भी हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों इन पांच बातों से हमें केमिकल रिएक्शन का पता चलता है। कैसे पता चलता है, जादू देखिए। प्यारे बच्चों मान लीजिए मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। और बच्चों मैंने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब हिंदी में सांद्र H2SO4, ठीक है जी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रोवाइड कर लिया, ठीक है। और अब क्या करने जा रहे हैं, देखिए अगर अभी आप इस कंसंट्रेटेड H2SO4 को पकड़ लेंगे ऐसे, तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, कोई गर्म नहीं कोई ठंडा नहीं, जैसे एक नॉर्मल वाटर टाइप का होता है उस टाइप से आपको लगेगा। लेकिन बच्चों अब मैं इसके अंदर एक ऐसी चीज डालने जा रहा हूं जिसकी वजह से इसका पूरा रूप रंग, इसका पूरा मतलब कैरेक्टर पूरी तरीके से बदल जाएगा, और बहुत ही ज्यादा भड़कीला किस्म का दिखाई देगा। भड़कीला मतलब कैसा, जैसे अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो
ठीक है, और आप उस काम में बिल्कुल पूरी तरीके से डूबे हुए हो, और आपको कोई छेड़ दे, आपसे कोई पंगे ले ले, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो बस यही है, इस टाइम पे ये शांत है, अब इसको हमें गुस्सा दिलाना है, ठीक है, मतलब रिएक्शन करवाना है, बदले में कुछ रिएक्शन करेगा। तो क्या हमने कुछ नहीं किया, थोड़े से जिंक के दाने लिए, ग्रेनुलेट्स लिए, ठीक है, जिंक, और वो जिंक उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये जिंक जब इसके अंदर डलेगा, हिंदी में इसे जस्ता कहा जाता है, जब ये जस्ता इसके अंदर डलेगा, जिंक इसके अंदर जब डलेगा, तो ये मैं बताता हूं आपके साथ भाई, इस रिएक्शन में क्या क्या करेगा। पहला, बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेजी से गैस निकालेगा, बहुत तेजी से क्या निकालेगा, गैस निकालेगा, ठीक है। गैस कौन सी होगी, वो हाइड्रोजन गैस। क्यों होगी ये भी बात करेंगे हम, टेंशन मत लो, सारी बातें करेंगे, ठीक। अभी मैं बस इन पांचों को समझा रहा हूं, तो पहले उसको समझना। जैसे ही जिंक डालेंगे, बड़ी तेजी से हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमने जिंक नहीं डाला था, तब तक कोई गैस नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने जिंक डाला, एकदम से बड़ी तेजी से, ऐसा लगा जैसे भाई सिलेंडर फट गया, बहुत तेजी से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली। तो मतलब क्या हुआ, गैस निकली ना, रिएक्शन हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिएक्शन में गैस तो निकली, साथ ही साथ क्या हुआ कि जब हमने जिंक नहीं डाला था, तब हम भाई पकड़ सकते थे इसको नॉर्मली, उसके ग्लास को, लेकिन जब हमने जिंक डाल दिया, तो ये इसके अंदर जैसे पानी उबलता है ना, वैसे उबाल आने लग गए, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया ये। तो क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्शन किया इसने, और रिएक्शन करने की वजह से इसके टेम्परेचर में क्या आया, चेंज आया, ठीक है। और टेम्परेचर में चेंज आया है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हुई है, सही बात है। अच्छा, अगला बच्चों, जिंक का असली में कलर होता है बिल्कुल कैसा, सिल्वर जैसा, चांदी जैसा, चमकदार होता है, लेकिन जब मैंने उस जिंक को इस H2SO4 में डाला, तो भाई मैंने क्या बताया, बहुत उसका टेम्परेचर बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, वो जला होगा, और जब वो जल रहा है, तो भाई किसी भी मोस्टली चीजों को आप जब जलते हुए देखते हो, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला रंग हो जाता है। तो ये जिंक भी यहां पे पता है कैसा हो गया, ब्लैक कलर का हो गया बच्चों, काले रंग का हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हमने ये देखा। तो इसका मतलब देख रहे हो, अभी एक ही रिएक्शन करवाई है, और एक ही रिएक्शन में आपको गैस भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, कलर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर चेंज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि पांचों हो या एक भी हो गया ना, तो समझ लो केमिकल रिएक्शन हो गई। अब देखो प्रेसिपिटेट के बारे में बात करते हैं, मतलब क्या, क्या ये जलने के बाद पूरा उड़ गया, नहीं, जलने के बाद ये साइज में छोटा हो गया, लेकिन सॉलिड रूप में बच गया। तो सॉलिड रूप में जब ये ब्लैक ब्लैक जिंक बच गए, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन है बच्चों, वो प्रेसिपिटेट है, वो अवक्षेप है, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद जब भी कोई सॉलिड चीज बच जाए, तो बस वो हमारे लिए क्या काम करता है, अवक्षेप का काम करता है, प्रेसिपिटेट का काम करता है। तो हमने क्या देखा कि एक छोटा सा रिएक्शन H2SO4 में जिंक डाला, तो हमें ये चार कंडीशन दिखाई दिए, कौन कौन से, प्रेसिपिटेट का बनना, अवक्षेप का बनना, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। लेकिन भाई किसी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, जिंक पहले भी सॉलिड था, अब भी सॉलिड है, H2SO4 पहले भी लिक्विड स्टेट में था, अब भी लिक्विड स्टेट में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि ये चार केस को वेरीफाई कर रहा है, अगर एक को भी कर दे तो भी हो जाएगा, तो यहां तो चार हो रहे हैं। अच्छा, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या समझे भाई हम जरा, चेंज इन स्टेट। तो लो जी सिंपल, आप मोमबत्ती सभी बच्चे ने देखी होगी, ठीक है, पांच वाली मोमबत्ती ऐसी होती है ना, हाँ, तो ये हमने पांच वाली मोमबत्ती बना दी भाई, दिवाली वाली, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने ये मोमबत्ती जलाई, तो जलाने के बाद बच्चों हमने इस मोमबत्ती में क्या देखा कि जब ये जलने लगा, तो जलने से पहले ये मोमबत्ती था सॉलिड स्टेट में, सही बात है, ठोस रूप में था ये, लेकिन जैसे ही जलना शुरू हुआ, तो ये पिघलने लग गई भाई, ये पिघलने लग गई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप किस में आ रही है भाई, लिक्विड स्टेट में आ रही है, किस में आ रही है, लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में आ रही है, ठीक है बच्चों। तो मतलब है मोम,
लेकिन जलने से पहले ये सॉलिड में था, लेकिन जैसे जैसे जल रहा है धीरे धीरे किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। तो मतलब इसने क्या किया, अपना स्टेट चेंज किया कि नहीं किया, कर लिया अपना स्टेट चेंज। और जब अपना स्टेट चेंज कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जब भी कोई चीज किसी के मिलने से अपने स्टेट को चेंज कर दे, अपनी अवस्था को चेंज कर दे, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखा, फायर के मिलने से ये अपने सॉलिड स्टेट को किसमें कन्वर्ट करके चला गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके चला गया। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सबके लिए तीन तीन लाइनें छोड़ देंगे, सबके लिए तीन तीन लाइनें छोड़ देंगे। ये मत सोचना कि ये लिखवाए नहीं जाएंगे, ठीक है, ये एक एक डेफिनेशन आपको लिखवाई जाएगी, लेकिन अभी आपको इसके लिए जगह छोड़नी है। और जब ये चैप्टर मैं पूरा एंड करूंगा तब मैं ये एक वीडियो पूरी बनाऊंगा जिसमें आपको ये लिखना है। तो ध्यान से सभी बच्चे जगह जरूर छोड़ते हुए चले, ठीक है, अब नोट कीजिए। चलिए तो बच्चों आइए अब एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा कि जब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाया जाता है और कोई नई चीज बनती है तो हम लोग उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब उन्हीं चीजों को लिख के दिखाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, आप लोगों ने 9th में एक टॉपिक सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। मतलब क्या कि आपने एक हिंट, एक एग्जाम्पल सुना होगा कि वाटर, वाटर को आप चाहे चाय में मिला दो, चाहे नाले में मिला दो, चाहे आप वाटर को किसी खाने में मिलाओ, वाटर को किसी भी जगह पे आप मिलाओ, उसमें रहने वाले कंपोनेंट्स हमेशा सेम रेशो में रहते हैं। सही बात है, तो इसका मतलब वेट भी उनका हमेशा क्या रहता होगा, सेम। तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, एक टॉपिक होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हमें ये सीखना है, हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। समझ रहे हो बच्चों, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण बच्चों दो बातों से मिलके बनती है। वो कौन सी दो बातें हैं? पहली बात है बच्चों, ये देखिए, आप जब भी, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूं, Mg प्लस में O2, तो क्या बना था, MgO। क्या मैंने इसके बीच में इक्वल का साइन लगाया है? नहीं, मैंने एरो लगाया है। एरो का मतलब इनके मिलने से ये बना, इनके मिलने से ये बना। अब बच्चों करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता ये जो दोनों है ये कौन है बच्चों, एरो के इस तरफ वाली जो ये चीजें हैं ये है रिएक्टेंट्स। कौन है बच्चों? रिएक्टेंट्स, हिंदी में अभिकारक। कौन है ये? अभिकारक। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनना आप। उसके बाद इन दोनों के मिलने से ये चीज बन चुकी है। अब ये चीज जो बन चुकी है इसको कहेंगे क्या? इसे बच्चों कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। हिंदी में क्या कहेंगे? उत्पाद। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है, कि रिएक्शन जब हो रहा हो, जो जिनसे मिलके हो रहा हो वो होते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और जब कोई नई चीज बन जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, उत्पाद। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, भाई द्रव्यमान का संरक्षण नियम, इस पे किस प्रकार से लागू होता है? वो कहता है कौन? कहता है कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ये कहता है कि भाई एटॉमिक मास,
ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हिंदी में अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए उत्पाद के द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान। ये हमेशा आपस में बराबर होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ये कौन कहता है? यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। मतलब अरे भाई आप चाय बना रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? चाय बना रहे हो, पानी आपने पहले डाला, लेकिन चाय तो पानी डालने के बाद बनाना, मतलब आपने रिएक्टेंट डाले, रिएक्टेंट मिले, मिलने के बाद आपको प्रोडक्ट मिला। अभिकारक आपने डाले, अभिकारक आपस में मिले, बाद में आपको उत्पाद मिला। तो चाय बन चुकी है लेकिन अंदर कंटेंट है किसका? पानी का। और बच्चों जब पानी है उसके अंदर, ठीक है, भले ही अब उसका टेस्ट बदल चुका है, सारी प्रॉपर्टीज बदल चुकी हैं, लेकिन वाटर तो है उसके अंदर प्रेजेंट। तो उस वाटर का जो आपस में एटॉमिक मास है, वो चाय बनने से पहले और चाय बनने के बाद हर समय सेम रहेगा। यानी H2O का जो मास रहेगा, एटॉमिक मास, वो चाय बनने से पहले और चाय बनने के बाद, चाहे चाय बनने के दौरान, हर वक्त क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है कि रिएक्टेंट का मास और एटॉमिक रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होना चाहिए। और इसी की वजह से हमारे पास एक नया टॉपिक बनता है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलन। समझ रहे हो? मतलब हमें रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक हम लोगों ने समीकरण लिखे हैं, इक्वेशन लिखे हैं, उनको क्या करके चलें? उनको बैलेंस करके चलें। उनको क्या करके चले? बैलेंस करके चले। अब ये बैलेंस होंगे कैसे? अब ये बैलेंस होंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों आइए एक एक करके बैलेंस करना शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। एक्सपर्ट बना दूंगा आप लोगों को इस काम में 10th लेवल तक, ठीक है? 10th लेवल पे आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में एक्सपर्ट जैसा फील होगा। कोई सी भी इक्वेशन आपको बना के दे दी जाए, आप उसे तुरंत बैलेंस कर देंगे 10th लेवल पर, ठीक है बच्चों? उसके बाद जब आप आगे 11th में साइंस लेंगे तो और भी ज्यादा इसके अंदर आपको नए नए टॉपिक देखने को मिलेंगे और आप अच्छे से सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी हम 10th लेवल पर बैलेंस करना शुरू करते हैं। और लीजिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, ये नोट कर लीजिए, ठीक है? तो देखिए बच्चों क्या करने जा रहे हैं, हम बैलेंस करने जा रहे हैं, ठीक है जी? लो भाई बैलेंस कर देते हैं। कभी कभी बड़ा टाइट सा हो जाता है। चलिए भाई, तो बच्चों आपके सामने मैंने ये रिएक्शन लिखी है बच्चों, CH4+ में O2 और बदले में प्रोडक्ट मिलता है CO2+H2O। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, ठीक भाई? अब कहा गया आपसे इसे बैलेंस करो। अब मेरे एक बात सुन लेना आप सभी बच्चे ध्यान से, बैलेंस करने की शर्त, हमेशा लास्ट में, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक है? और ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो,
और उससे पहले कोई भी हो, किसी को भी बैलेंस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो और उससे पहले हाइड्रोजन को, समझ रहे हो? यानी सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, उससे पहले हाइड्रोजन, उसके अलावा कोई भी हो कभी बैलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा ध्यान से देखना, बैलेंस करने का मकसद, अपनी दुनिया में आते हैं पहले, साइंस की दुनिया से निकल के। सभी बच्चों ने तराजू देखा होगा, कैसा तराजू भाई? ऐसे वाला हैंडल पकड़ लिया इधर, तो आप क्या देखते हो? 1 किलो इधर दुकानदार चीनी रखता है, इधर 1 किलो का भाई क्या रखता है, वो वेट रखता है। तो वो क्या होता है, वो देखते हो बीच में एक डंडी सी होती है उसकी, वो बिल्कुल आके क्या करते भाई, जो उसका एरो होता है उस पर आके रुक जाती है। हाँ जी, तुल गया, वो बात अलग है, हम कभी ज्यादा कभी कम ले लेते हैं, वो अपने भाई, वो तो अपने दुकानदारों से भाईचारा है तो ऐसा चल जाता है। लेकिन एक्यूरेट 1 किलो का मतलब क्या हुआ, कि वो जो डंडी है वो बिल्कुल बीच में आके ऐसे रुक जाएगी, तो दोनों 1 किलो का हो गया, ऐसा ही होता है। चलिए, तो उसी आधार पे हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करना पता है कैसे होता है? बहुत सिंपल होता है, आपको बस देखना है जितनी चीज उधर है क्या उतनी ही चीज उधर है, अगर है तो बैलेंस हो गया, नहीं है तो भाई कर दो। हाँ जी, हम सबसे पहले भाई लास्ट में तो ओ को करना है, उससे पहले एच को, उसके अलावा कोई है? हाँ जी, सी है। तो चलिए, इधर भी एक सी है, इधर भी एक सी है, हो गया बैलेंस। समझ में आ रही बात? मतलब किधर, एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ को बैलेंस करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है? एरो के इस तरफ कितने सी हैं? एक सी है। एरो के इस तरफ कितने सी हैं? एक सी है, हो गया जी बैलेंस। अब किसकी बारी? हाइड्रोजन की। हाँ भाई, एरो के इस तरफ कितने हाइड्रोजन है? 4। और एरो के इस तरफ कितना हाइड्रोजन है? 2। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब यहां पे पता क्या लगेगा, यहां पे लगेगा 2। क्यों? क्योंकि 2 दुनी 4, 2 दुनी 4। तो देखो यहां पे भी 4 हो गया, यहां पे भी 4 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरे एक बात को ध्यान से सुनेंगे, जब मैं ये ऐसे लिखूंगा ना H2O, और H2O के आगे मैंने क्या लगा दिया? 2। तो प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से सुन लेना कि ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिसके नीचे कोई डिजिट नहीं होती ना, समझ लीजिए उसके नीचे डिजिट होती है 1। जिसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं होती, उसके नीचे डिजिट क्या होती है? 1। तो ये वाला जो 2 है, ये इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ में आ रही है सभी को ये बात, कि ये वाला जो 2 है वो इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इससे भी कर रहा है, ठीक? तो इसका मतलब, अब देखिए यहां भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां पे भी हाइड्रोजन, 2 दुनी 4 हो गया। अब बारी किसकी आती है? ऑक्सीजन की। हाँ जी, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2। अच्छा, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? देखिए 2 ऑक्सीजन तो ये रहे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे अरे यहां तो 1 है, 1 लिख देंगे। नहीं, जबकि मैंने क्या समझाया, ये वाला 2 इससे तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है, साथ में इससे भी कर रहा है, तो यानी +2, यानी कि 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, कितने हो गए? 4। तो बच्चों, इस तरफ टोटल कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, और इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 2। किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से, हो गया बैलेंस। इतना सा काम करना है बस, समझ रहे हो? अभी मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं आया होगा समझ में, लेकिन अभी एक दो चार क्वेश्चन करने दो, फिर देखना। अब देखो एक और देखो, टेंशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो, C3H8O2, CO2H2O, ठीक है? अब यार ध्यान से देखना, क्या है ध्यान से देखना भाई। हाँ जी, CH3H8+O2CO2+H2O, फिर से वही क्वेश्चन। अच्छा, बैलेंस करना है जी, कितने सी हैं? 3। कितने सी हैं? 1। किससे मल्टीप्लाई? 3 से, हो गया 3 एकम 3। अच्छा, अब किसकी बारी? हाइड्रोजन की। कितने एच हैं? 8। कितने एच हैं? 2। किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 बन जाए? तो 4 दुनी 8 भाई, लगा दो यहां पे 4, हो गया 8। अब किसकी बारी? ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन हैं? इस तरफ हैं 2, यहां कितने ऑक्सीजन है? तो पहले इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दुनी 6, प्लस इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10। चलिए भाई, तो इस तरफ टोटल कितने ऑक्सीजन है? 10 ऑक्सीजन है, और 10 ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि भाई 10 बन जाए यहां पे? 5 से, 5 दुनी 10, बन गया काम।
तो इस तरीके से करना है, इतना सिंपल सा। एक और देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, सी फाइव एच ट्वेल्व प्लस ओ टू सी ओ टू एच टू ओ, ठीक है। कितने सी हैं? पांच। कितने सी हैं? एक। पांच से मल्टीप्लाई हो गया पांच। कितने एच हैं? बारह। कितने एच हैं? दो। छह दुनी बारह, मैं टेबल बतानी है बस। अब ओ गिनो, इस तरफ ओ कितने हैं? दो। इस तरफ ओ कितने हैं? पांच दुनी दस, छह एकम छह, कितने हो गए? सोलह। बच्चों कितने दुनी सोलह, मुझे ये बताओ, कितने टू टाइम्स में सिक्सटीन आता है? तो एट में, तो यहां लगा दो एट टू जस्ट सिक्सटीन, हो गया बैलेंस। क्या कोई भी मुसीबत है इसमें? क्या कोई भी परेशानी है इसमें? नहीं ना। जल्दी से फुर्ती से एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, मुझे करके दिखा दो, ठीक है। तुरंत एक अठन्नी वाली टॉफी आपको मैं घर भिजवाता हूं, ये करके दिखाओ। तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया है, एक ये दिया है और दो क्वेश्चन ये दिए हैं। तो अभी मैं आज की क्लास यहीं पर रोक रहा हूं, ठीक है। अगली क्लास में तकरीबन आप तैयार रहना कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन के लिए, बड़े भयंकर भयंकर बहुत बेहतरीन एक नंबर जो बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं आपके, वो सारे के सारे बैलेंसिंग इक्वेशन में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में बैलेंसिंग नामक टॉपिक के लिए रेडी रहे, जिसमें आपको एक एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आपको एक दो तीन चार क्वेश्चन दिए हैं, इनको रिवाइज करें और इन चारों को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। परसों फिर इसी की क्लास, बाकी कल मैथ की क्लास आपको प्रोवाइड होगी, पॉलिनोमियल्स का थर्ड पार्ट, ठीक है बच्चों। चलो बाय।